तो अब अपन को करना है लिप्स, ठीक है? ये बेस लेयर दे दी थी अपनी, तो लिप्स में एक चीज देख सकते हो, ये दिख रहा है हाइलाइट्स डार्क से जाते हुए, और ये दिख रहा है थोड़े थोड़े नीचे। तो तुम्हें क्या करना है, अपन ने लास्ट लेयर दी थी 4B से, तो लोअर लिप में देखना इस तरीके से नीचे नीचे की लेयर, जैसे जितना जितना ये दिख रहा है ना उतनी उतनी लेयर ऐसे जो शेड करो, ठीक है? लिप्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, देख लो पहले, सुनो, देख लो पहले, नीटनेस से चाहिए मुझे पूरा काम, ओके? लिप्स यहाँ देख सकते हो आराम से, तो नीचे नीचे की जो लेयर है पहले देख लो, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करनी है, नीचे नीचे की लेयर हो गई। हम यहाँ देख सकते हो ऊपर ऊपर की लेयर भी अपन को वैसी दिख रही है, तो बीच में एक लेयर छोड़नी है, ओके? तो ये ऊपर ऊपर की लेयर भी हो गई, ऊपर ऊपर की लेयर करेंगे अपन यहाँ पे, यहाँ धीरे धीरे सेम चीज अपर लिप पे, लेकिन अपर लिप पे सिर्फ नीचे वाली लेयर होगी, ऐसे धीरे धीरे करना अपन को। देखो रफ शेडिंग नहीं चाहिए मुझे, लिप्स बहुत गंदे लगेंगे, थोड़ा स्मूथ रखने की कोशिश करना है इसे। ये हुआ, अब इसके बाद दो ऑप्शन रहते हैं, या तो नीडेड इरेजर लो, ठीक है? नीडेड इरेजर नहीं है तो मोनो जीरो इरेजर लो, मैं दोनों से बताता हूँ कैसे करना। तो मोनो जीरो से मत देख लो, नीडेड तो आसान है। मोनो से क्या करना, जैसे वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाते हैं ना बस इस तरीके से, ये इस तरीके से बीच में लगा लो, दिख रहे ना हाइलाइट्स, वो अभी से बना लो तुम्हें। और वो बनाने के बाद ब्रश लो, जहां जहां पहले शेड किया है उसे स्मूथली ब्लेंड कर, ठीक है? हाईलाइट वाले पोर्शन पे हल्का हल्का ब्रश आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, बाद में अपन दोबारा बना लेंगे, ठीक है? पूरे लिप्स पे चला लो, कवर हो जाए, कोई परेशानी नहीं, हल्का सा अपन को मिल गया, ठीक है? तो अपन 6B पेंसिल लेंगे, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि मैं स्ट्रोक्स आते ही हैं, लेकिन अब इसमें डिफरेंस है थोड़े, इसमें ऐसा नहीं कि सारे स्ट्रोक चल रहे थे, कुछ बड़े से जा रहे हैं, कुछ छोटे आ रहे हैं, जैसे बीच वाला देखो पहले, तो सबसे पहले बीच वाली जो लाइन है, ठीक है? 6B से इसे कर लो, 6B से करो इसे, तो धीरे धीरे इसे करना। देखो बहुत ज्यादा मुझे होनी चाहिए कि मोटी सी एक लाइन बना दी, ठीक है? एक पतली सी रखो, वो स्ट्रोक से हो ही जाएगी, तो धीरे से इसे क्या कहते हैं कर्व्स बनाओ, एक कर्व सेंटर वाला हुआ, ये कर्व गया, फिर इसके बाद हल्के से एक ये बीच में हल्का कर्व दिख रहा है, फिर ये देख सकते हो वी शेप के एंड में ये एक और ऊपर की तरफ डार्क सा कर्व गया, फिर उसके बाद ये हल्का हल्का कर्व गया, देखना ये बीच वाले डार्क है, पीछे वाला जो जा रहा है वो डार्क है, बाकी सब जो जा रहा है पीछे पीछे वो लाइट है। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर्व होंगे, धीरे धीरे जहां बीच में भी धीरे धीरे कर होगा। अब राइट साइड वाले पोर्शन पे जो हाइलाइट्स बाद में बनाते हैं, पहले ये जो है यहाँ पे धीरे धीरे ये कर्व ऊपर देख सकते हो, ऊपर वाला जो नीचे का वो आ गया, ये वाला कर्व हो गया। देखो गिनती के घर पे 4 से 5 है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करो, एक ही ऊपर आ गया, धीरे धीरे आगे बढ़े, दूसरा ये आ गया, धीरे धीरे आगे बढ़े, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, और एंड में हल्के हल्के शेड करते करते पीछे की तरफ बढ़े। इससे ज्यादा मत करना, भरा हुआ बहुत गंदा लगेगा, ठीक है? इसके बाद क्या करना है, ये तो ये जो है दिख रहा है एक हाईलाइट है हल्का सा जाता हुआ, ठीक है? ये इरेज किया, इसके बाद लैंडिंग स्टंप लो, जहां जहां पे तुमने वो स्ट्रोक्स लगाया वहां से ऊपर की तरफ ले जाओ, उससे क्या होगा ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे तरीके से, हल्का हल्का हाईलाइट का, हाईलाइट पूरा नहीं भरना चाहिए, हल्का हल्का इस तरीके से अपर लिप हो जाता है, इतना कर लो पहले। तो लोअर लिप के लिए भी 6B पेंसिल लो, जो गलती ऊपर में करी है एकदम भर दिया वो नहीं करना, इसे नीचे लाओ, जैसे दिख रहा है ना बीच वाला, इसे एकदम ऐसे नीचे लाओ कर्व के साथ, ठीक है? अब उसके बगल में ये हल्के हल्के शेड दिख रहे हैं, फिर एक ये आया छोटा सा कर्व, उसके बगल में ये आया छोटा सा कर्व, एक बीच में ये है कर्व, ठीक है? फिर एक और ये कर्व, मैं एक एक कर्व देख के बना रहा हूँ जैसा इसमें है, ठीक है?
इस तरीके से आया यहाँ पर, ये लंबा सा आ गया थोड़ा नीचे की तरफ, फिर ये यहाँ पीछे की तरफ जो जा रहे हैं तीन चार ही कर्व होने लग गए इस तरीके से, और ये एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़े थोड़े एक आध नीचे से आ रहे हैं, लेकिन नीचे वाले लाइट है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना ये वाले, यहाँ वाला पोर्शन जो है ये लाइट आ रहा है। ठीक है, फिर राइट वाला सेक्शन आता है, राइट वाला सेक्शन आता है इस तरीके से कर्व, यहाँ से कर्व, थोड़ा बीच में गैप आएगा, हल्का सा गैप का सेंस ये नहीं है कि तुमने छोड़ दिया, हल्के छोटे छोटे एरिया उस जगह स्ट्रोक लगाते रहो, फिर ये स्ट्रोक आया, फिर छोटे छोटे स्ट्रोक लगाए, फिर नीचे की तरफ कर्व आ गए, इस तरीके से हुआ, इधर कर्व आ गए, इस तरफ हुआ, इधर कर्व आ गए, नीचे की तरफ हुआ, यहाँ कर्व आ गए। देख सकते हो सारे कर्व एक लेंथ के नहीं, ऐसे ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, नीचे जा रहा है, इधर हो गया, ये यहाँ छूट गया, ये पीछे की तरफ। अब यहाँ बीच में एक दो है, जैसे एक ही आ गया, एक ही आ गया, ये पीछे की तरफ गए तो हल्के हल्के बीच में दिख रहा है, लेकिन एक डार्क ये दिख रहा, हल्के हल्के बीच में ये दिख रहा है लेकिन एक डार्क ये दिख रहा, इस तरीके से आता है। अब बीच में क्या होगा, हाईलाइट मिसिंग है, तो हाईलाइट ये एक लाइन में आने चाहिए, तो इनके बीच में जो थोड़ी थोड़ी स्पेस है ना, उसमें ऐसे ऐसे थोड़ा इरेज करो, क्योंकि अभी ब्लेंडिंग स्टंप से वो इस सब भर जाएगा दोबारा। ठीक है, तो अब ब्लेंडिंग स्टंप लिया, ब्लेंडिंग स्टंप से जो अपन ने हिस्से में शेड किया था स्ट्रोक्स लगाए, उसे दोबारा कर दो, जैसे अपर लिप में किया था ना, इस तरीके से अपना लिप हो जाता है। अब इसमें बस एक चीज बचती है, वो क्या है, इसकी आउटलाइन जो है तो फेड हो गई, तो HP पेंसिल लो अपनी और बहुत आराम से इसे, ठीक है, बहुत आराम से, मुझे बहुत डार्क आउटलाइन नहीं चाहिए, बहुत आराम से जो हल्की हल्की आउटलाइन जो एकदम एजेस पे इरेज हो गई है, तो इस तरीके से अपना लिप हो जाता है। तो अब देखो इधर, अब वाइट जेल पेन लो, अपन की आंखों में जो शाइन आ रही है, तो क्या करना है, एक सर्कल ऐसे वाइट जेल पेन ऐसे खींचते नहीं है, ऐसे डॉट सी लगाते हैं उसे और उसे फैलाते हैं, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, तो आप देखो आंखों में कितनी बढ़िया शाइन आ गई। ठीक है, तो ये करना है, अब अपन को क्या करना, अब अपन आ जाते हैं ये वाले पार्ट पे। ठीक है, अब अपन अपने रियलिस्टिक पार्ट पे आ जाते हैं, तो स्टार्ट अपन को वैसे ही करना, पेन भी पेंसिल ली अपन ने, जैसे ये बनाई थी आई, सेम प्रोसीजर वही इस आई का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा मैं बताऊंगा। तो ये अपन ने 10B से अंदर आया, पिंपल भरी, फिर जो आयरिस की आउटलाइन है, अपन ने 10B से आयरिस की आउटलाइन ली। ठीक है, अब बहुत शार्प एकदम पॉइंटेड पार्ट से अपन ने ऊपर वाला जो कर्व है वो बनाया, पीछे की तरफ जो आईलैशेस जा रही ना, जो गलती लास्ट टाइम करी थी एकदम ऐसे धीरे से जाके छोड़ दी, गंदी सी बना दी मोटी, वो नहीं, ऐसे जाए पीछे और अपने आप जाके छूट जाए। ये ऊपर वाला जो कर्व है ये भी 10B से बना दो अभी, ओके, इस तरीके से। अब अपन को क्या करना, अपन को अंदर शेड करना पोर्शन, तो शेडिंग वाला पोर्शन देखो किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, ऊपर ऊपर वाला पार्ट याद, आई की शेडिंग जो अपन ने सीखी थी उसमें कैसा था, अपर पोर्शन कर लिया ही अपन ने, ठीक है, हल्का हल्का बॉर्डर्स में किया, और बीच में जो हल्का हाईलाइट आता है ना, ये जो दिख रहा है लाइट पोर्शन, ये कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अपन को ये जो सेमी सर्कल पार्ट दिख रहा है ना हल्का सा, जो मैंने छोड़ा है वो छोड़ना जरूरी है, तो इस तरीके से धीरे धीरे उसे ब्लेंड करो, उसके अंदर चला जाए थोड़ा बहुत, कोई परेशानी नहीं है, उसे बाद में अपन मोनोसी से कर देंगे। तो 4B से करने के बाद अभी भी लाइट दिख रहा है, तो ऊपर ऊपर का जो पोर्शन है उसे 6B से करो, शेड भरना नहीं है, ठीक है, शेड करना है, तो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन जो है ये अपन ने 6B से करा, तो अब अपने में और डेप्थ आ गई, इसे लो और ब्लेंड कर दो। ठीक है, इस तरीके से अपनी राइट आई की शुरुआत हो जाती है, इतना कर दो। ध्यान दो सब, अब आईब्राउज पे आते हैं। ठीक है, उससे पहले ये जो हल्का नीचे की आउटलाइन है ना, मैकेनिकल पेंसिल से कर लो हल्की हल्की, ठीक है, यहाँ यहाँ पे। अब अपन को आईब्राउज देखने, तो आईब्राउज इससे डिफरेंट, इसमें नाके बराबर कुछ थे, इसमें एकदम घने से, लेकिन एक बार याद रखना इसमें थोड़े हाईलाइट्स भी। तो आईब्रोज अपन ने स्टार्टिंग जब बनाए थे तो अपन मैंने पहले ही बोला था इधर उधर थोड़े बिखरते हुए बनाओ और फिर इनको फ्लो में ले जाओ। तो ये फ्लो में कैसे आएंगे, इस तरीके से मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखना
यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इन्होंने कर्व पकड़ लिए, ठीक है, इन्हें डायरेक्शन पकड़ ली है, तो यहाँ से कर्व आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो हाईलाइट्स हैं या तो वो अभी छोड़ दो या बाद में मैकेनिकल पेंसिल की मदद से। तो एक चीज ध्यान देना, पीछे से आगे की तरफ भी आ रहे हैं, पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो इधर तक करने के बाद पीछे से आगे की तरफ लाओ इस तरीके से। बहुत ऊपर तक नहीं ले जाओ, इस तरीके से धीरे धीरे लाओ, ठीक है, कुछ थोड़े थोड़े ऊपर दिखने चाहिए, फिर कुछ थोड़े थोड़े ऐसे नीचे की तरफ दिखने चाहिए। रेफरेंस इमेज में देखो, समझ जाओगे ऐसा क्यों बना रहा हूं। अब ये जो कर्व है, इस तरीके से धीरे धीरे इन्हें लाओ ऐसे, और इन्हें यहां ज्वाइन करना है ऐसे कर्व करते करते यहां। उससे क्या हुआ, अपन को जो डायरेक्शन थी ऊपर की तरफ जाते हुए, नीचे की तरफ जाते हुए, आगे से पीछे आते हुए, दोनों में, ठीक है, इतना आईब्रो हो जाता है इतना कर्व। तो अब एचपी पेंसिल ली अपन ने, ठीक है, एचपी पेंसिल से अपन को क्या करना है, कौन से एरियाज छोड़ने हैं वो देखो। ये दिख रहा, ये छोड़ना है हल्का हल्का, यहाँ छोड़ना है बस, ठीक है। तो मैं वो एरिया पहले ही छोड़ देता हूँ, जैसे ये है, मैंने इसके ऊपर ऊपर किया, यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का ओवल शेप करा मैंने बहुत लाइटली, ठीक है। पेंसिल देखो मेरी बहुत आराम आराम से चल रही है, तुम्हें भी करना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा ये एरिया देखो, ये हल्का हल्का इसे बहुत, मुझे लाइन किसी की दिखनी नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत हल्का है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे पूरे में शेड कर लो, ठीक है। ये हिस्सा अपन ने शेड कर लिया, देखो स्मूथली करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ रफ नहीं चाहिए मुझे, आराम से अपना टाइम लो, ठीक है, स्मूथ करो, क्योंकि स्मूथ शेडिंग नहीं होगी तो स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं होगी। ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर शेडिंग करो ऊपर ऊपर, ओके। अब इसके ऊपर ऊपर करो ऐसे धीरे धीरे कर्व में, इसके नीचे नीचे करो आई के, कि देख सकते हो अभी अपन को इसमें और 4B तक लेयर जाएगी, तो वो जो हाइलाइट्स है वो HB रहेंगे और जो डेप्थ है वो 4B 6B रहेगी। धीरे धीरे लेयर्स बढ़ाएंगे इसमें अपन, तो धीरे धीरे करो इतना शेडिंग इसमें और बहुत स्मूथ करो, ठीक है, और कंटिन्यूस करते जाओ, कहीं रुको नहीं एकदम कि रुक गए वहां पे ज्यादा हो गई। ये दिख रहा है ना थोड़ी हाईलाइट, इसे अपन और हाईलाइट दे देंगे, तो इस तरीके से अपनी फर्स्ट लेयर हो जाती है, ठीक है। तो इतना कर लो, इसके बाद ब्लेंड करते हैं इसे। तो ब्लेंड कैसे करना है, ऊपर हर जगह ऐसे सर्कुलर चलाओ ब्रश, ठीक है, ये अपन ने इतना हिस्सा छोड़ा था, इसकी बॉर्डर पे भी ऐसे सर्कुलर चलाओ, ओके, बहुत आराम आराम से सर्कुलर चलाते जाओ। ये हिस्सा जो छोड़ा था मैंने, इसे छूटे रहने दो, क्योंकि क्या होगा अभी और ग्रेफाइट आएगा, वो इस पे आएगा तो उसे ऑलरेडी कवर कर देगा वो। अब इसे ऐसे उल्टा यू शेप जैसा कवर करो, ठीक है। फिर आई के ऊपर वाला हिस्सा बाद में आता है, पहले आई के नीचे वाला हिस्सा देखो, ऐसे कर्व करते जाओ, ठीक है, ऐसे कर्व करते करते नीचे। अब जिनका यहाँ यहाँ पे डार्क वो है, क्या कहते हैं, पैचेस आ गए हैं, उन्हें स्मूथ शेडिंग करनी है यहाँ पे, तो पहले ऐसे कर्व कर लो, और फिर यहाँ यहाँ पे सर्कुलर चलाओ। यहाँ तो मैं बस एक और ऑप्शन रहता है, बॉटम से भी कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन रहता है कि कॉटन से भी कर सकते हो। कॉटन से कैसे करना, इस तरीके से रखो और ऐसे सर्कुलर कर लो, ठीक है। तो तुम्हें दोनों तरीके बता दिए मैंने, लेकिन ये जो एरिया आता है जैसे ये वाला, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे करो कर्व, ठीक है। उतना हिस्सा अपन बाद में मोनो जीरो इरेजर या फिर नीडेड से कर सकते हैं, या तो ब्रश यूज करो, और कॉटन कर रहे हो तो कॉटन की एकदम ऐसे टिप बना लो, ये बन गई टिप। अब इस टिप से छोटे छोटे एरिया में करो, ठीक है, इस स्टेप से ऐसे छोटे छोटे एरिया में करो, तो इस तरीके से अपना ये ब्लेंड हो जाता है, तो फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपन को सेकंड लेयर डालनी है, तो पहले देख लो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर करते हैं। तो यहाँ मैंने बेस लेयर डलवा दी थी, ठीक है, ये पेपर है, पेपर के आसपास देखो, बालों के आसपास देखो, नीचे देखो, थोड़ा एक ग्रेडियंट सा दिख रहा है, डार्क टू लाइट आता हुआ, तो वो हिस्सा शेड होगा। आईज के ऊपर ये जो ओवल शेप है, इसे छोड़ के बाकी सब शेड होगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पीछे की तरफ थोड़ा जा रहा है ना ऐसे शेड,
ये उठा हुआ सा इफेक्ट आता है, और ये आईब्रो के एंड तक मिलना चाहिए वो शेड। आई लैशेस भले ही ना मिले, लेकिन वो जो शेड है वो मिलना चाहिए। ओके तो आप स्टार्ट करते, पहले मुझे देख लो, मैं फोरहेड से स्टार्ट करूँ, ऊपर वाले पोर्शन से। तो पेंसिल पीछे पकड़ो, ये 2B पेंसिल है, ओके 2B पेंसिल है, इसे आराम आराम से सर्कुलर चला। मुझे स्मूथ शेडिंग चाहिए, भले ही 5 की जगह 10 मिनट ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शेडिंग मुझे स्मूथ चाहिए। तो देख लो, ये हिस्सा छोड़ा था तो एकदम ऐसा नहीं, एच बी यहाँ तक था तो 2B उससे कम ही रहेगा। ओके तो इधर इधर इतना इतना हिस्सा कर रहा हूँ मैं, एच बी यहाँ तक किया था, एक बार ध्यान रखना। और ये यहाँ आके इतना हिस्सा हो गया। अब एक बार ध्यान रखना, मैंने बताया भी था, डार्क टू लाइट एकदम से अगर ब्लेंड नहीं होता, अपन को हल्का हल्का 2B से इसकी बॉर्डर पे शेड करना पड़ेगा, ताकि जब अपन ब्लेंड करें तो वो स्मूथली ब्लेंड हो जाए इतना हिस्सा। तो ये मैंने 2B की एक लेयर बहुत लाइटली चढ़ा दी यहाँ, ठीक है। अब आइस के ऊपर वाला पोर्शन देखो, देखो ये एक गो में है, ठीक है, इतना पोर्शन कर लिया है, सेम वही है। मैं फोर्थ लेयर थर्ड लेयर जब करूँगा 4B से और डेप्थ वाली, उसमें एक एक स्टेप बताऊँगा, उसमें एक एक टाइम दूंगा। अभी एक फ्लो में है, तो ये फ्लो देखो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, कहीं और मत ध्यान देना, अभी चूक जाएगा कुछ। ये इससे जो डार्क दिख रहा है ना, ये थर्ड फोर्थ लेयर का काम है, अभी अपना सेकेंड लेयर में नहीं है। सेकेंड लेयर में क्या है, जो अपन एच बी से किया था उसको थोड़ा और डार्क करना, ठीक है। तो ये लेते आते जाओ, जैसे ओवल शेप था तो इसे छोड़ के बाकी पूरा ऐसे ओवल ओवल कर दो। मैंने क्या बोला था, पीछे की तरफ ऐसे जाना चाहिए, यहाँ मिल रहा है ये मेरा, तो मैं जो शेड करूँगा ऐसे लंबे ओवल्स बनाऊँगा, ताकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाता दिखे। वही सेम चीज़ अब मैं नीचे वाली लेयर में करूँगा, देखो यहाँ ये जो थोड़ा भर भी जाए कोई परेशानी नहीं रहती। एक बात ध्यान रखना, अपने पास इरेजर्स हैं, लेकिन इरेजर होना और इरेजर को यूज़ करना अलग बात होता है। इरेजर अगर दुनिया भर की हो लेकिन उसे यूज़ करना नहीं आ रहा, इससे अपन नीडेड इरेजर से इरेज करेंगे, क्यों, अपन को एक हल्की सी लेयर हटानी होती है तो अपन नीडेड इरेजर यूज़ करते हैं। और अपन को एकदम पूरा हटाना, जैसे अभी अपन को पेपर पे हटाना होगा तो अपन उसमें मोनो जीरो इरेजर यूज़ करेंगे। जैसे ये वाला पोर्शन है ना, थोड़ा चीक्स पे यहाँ छूटा हुआ सा है, तो एक हिस्सा लगा लो कि ओवल हिस्सा। अब ध्यान रखना, मैं ओवल हिस्सा छोड़ रहा हूँ और सर्कुलर शेडिंग कर रहा हूँ, पेंसिल पीछे पकड़ाऊँ एकदम लिटा के शेडिंग कर रहा हूँ, तो बहुत स्मूद आ रही है, ठीक है। मैं सफिशियंट टाइम लेके कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी स्पीड है, मेरी स्पीड कॉपी करने की कोशिश मत करना, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस है तो मेरी स्पीड तुम लोगों से थोड़ी ज़्यादा है, तुम्हें 10 मिनट लग रहा है इतना करने में, मुझे कोई परेशानी नहीं है 10 मिनट देने में, आराम से करना, ठीक है। तो ये सेकंड लेयर भी हो जाती है, तो पहले इतना करो। चलो ब्लेंड करते हैं अपन, तो ब्लेंड के लिए कॉटन ले लो, ठीक है। कॉटन को मैंने क्या बोला, इस तरीके से टिप बना लो उसकी, और अब फोरहेड पे बीच वाले हिस्से की बॉर्डर पे सर्कुलर चलाना। तो आगे से चालू किया, देखो प्रेशर घिसना नहीं है, अपन को क्या करना, जो ऊपर का हिस्सा है, जो नीचे का है, जो बीच का है, उन सबको एक टोन में लाना है। तो एक ही प्रेशर के साथ यहाँ यहाँ से सर्कुलर चलाते रहो, ठीक है, इस तरीके से। ये पूरा हिस्सा जो आईब्रो के हिस्से ऊपर छोड़ा था ना मैंने हल्का सा, इसके बॉर्डर्स पे चलाना सर्कुलर ऐसे, फिर यहाँ से करते करते ये नीचे आ गए। जिसका रफ रफ हो रखा है थोड़ा, उस एरिया में हल्के हल्के से चलाओ, क्योंकि उस एरिया में अगर डार्क चलाओगे तो वो रफ वाला पार्ट और गंदा लगेगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे ज़्यादा शेड आ गया, तो उसमें बहुत आराम आराम से आसपास फैलाओ। मान लो ये आ गया मेरा, अगर गलती से तो मैं इसे ऊपर ऊपर फैलाने लगूंगा, नीचे नीचे ले जाऊंगा, और जिनका नहीं है वो आराम से करो, ठीक है। अब हल्का हल्का फैल गया ये, तो अब ब्रश लो, ब्रश से फ्लो बनाने की कोशिश करो। जैसे ये है, ये डाउनवर्ड फेसिंग कर्व हो गया, ये भी इस तरीके से टिप यूज़ करो इसकी, ये ऊपर की तरफ करते हुए ये यहाँ पे ऐसे सर्कुलर चलाओ, ठीक है। तो ये सेकेंड लेयर अपनी ब्लेंड हो जाती है, इतना कर लो। तो अब अपन ने ब्लेंड कर ली दोनों लेयर्स, तो अब अपन के पास आती है तीसरी लेयर, फोर्थ, क्योंकि 2B तो अपन ने यहाँ पे भी करी थी, यहाँ पे भी इसे थोड़ा और डेप्थ देने के लिए, क्योंकि यहाँ डेप्थ दे सकते हो। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अपन ने ना ये सबसे ज़्यादा डेप्थ है और ये उसके बगल में एकदम हाइलाइट्स हैं, ठीक है। तो आओ 4B लेयर देते हैं अब अपन, 4B की लेयर, ठीक है। तो इधर देखो अब कहाँ कहाँ देनी है, एच बी यहाँ तक थी, 2B यहाँ तक रहेगी, 4B उससे और पीछे पीछे। तो 4B क्या हो गया, एक तरीके से जो आउटलाइन आ रही है ना, ये असल में तो 6B है वैसे, ठीक है,
लेकिन जो आउटलाइन के बाहर हल्का हल्का आ रहा है ना, तुम्हें क्या करना है, जैसे आउटलाइन जा रही है तो बाहर से डार्क करो और अंदर आते आते एकदम 2BHP जितना लाइट हो गया, ये डार्क है, अंदर आते आते 2BHP जितना लाइट हो गया, ये ऊपर की तरफ बाल जा रहे हैं, डार्क है, अंदर आते आते लाइट हो गए। यहाँ देखो ये बाल वाला पोर्शन है, ये डार्क दिख रहा, लेकिन राइट टू लेफ्ट आते आते लाइट हो गए। मैंने जब पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करवाई थी तो प्रैक्टिस में मैंने वो करवाए थे कि डार्क टू लाइट ले जाओ पेंसिल को, सेम वही तरीका है, शेडिंग में वही अप्लाई करना है, ये डार्क है, डार्क टू लाइट लाते जाना। तो देख सकते हो डिफरेंस ऊपर और नीचे में। तो देखो ये फोरहेड होता है, अब जरा आ जाओ आईज के ऊपर वाले पार्ट पे, तो ये देखो ये हिस्सा आगे का अलग ही डार्क दिख रहा है, तो वो जो पोर्शन है, जैसे टिप से स्टार्ट करो इसकी, टिप से ले जाओ आगे की तरफ, ठीक है, और फिर धीरे धीरे इस ओवल से थोड़ा दूर होते होते और ये ऊपर ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये हो गया। आईज के हल्का हल्का ऊपर ले जाओ, अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है थोड़ा फैला हुआ, अभी मैंने क्या दिख रही है, एक लाइन दिख रही, लेकिन अब ये फैला हुआ दिख रहा, तो हल्का हल्का मैं पहले शेड करूंगा ये, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाता हूँ हल्का हल्का, मैं ये एक मोटी सी स्ट्रिप नहीं चाहता हूँ, वो मत बना देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हल्का हल्का शेड करो, क्योंकि इसे बाद में ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऊपर ले गए, हल्का हल्का यहाँ नीचे की तरफ लाओ, हल्का, बस इतना काफ़ी है। अब जैसे ये डार्क है ना, अंदर की तरफ क्या करना है, डार्क टू लाइट लाना है, 4B का एक ही काम है, डार्क टू लाइट लाना, डार्क टू लाइट ही आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे, इसे ज्वाइन किया यहाँ पे, नीचे भी वही होगा, ये आया, ये ऊपर की तरफ आया डार्क टू लाइट होते हुए, ये बॉर्डर है, बॉर्डर से लेफ्ट टू राइट आया डार्क टू लाइट होते हुए, ये राइट टू लेफ्ट आया, ऐसे कर्व करना, देखो एक बार में पूरा नहीं हो रहा तो एक एक ब्लॉक पकड़ लो छोटा छोटा, राइट टू लेफ्ट आए, डार्क टू लाइट होते हुए, ये डार्क टू लाइट होते हुए, ये जो कर्व दिख रहा इसको हल्का हल्का शेड कर, हल्का हल्का, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ ना, जहाँ पे हल्का वहाँ ये समझ लो कि पेंसिल को बहुत आराम से यूज़ करना है, क्योंकि 4B है, गड़बड़ खराब कर सकती है ये, तो इधर से क्या करना, डार्क टू लाइट नीचे की तरफ लाते हुए, नीचे से डार्क टू लाइट ऊपर ले जाते हुए, हल्का हल्का, देखो बहुत हल्का हल्का शेडिंग कर रहा हूँ मैं, 4B पेंसिल पकड़ा हूँ लेकिन मैं 2B के हिसाब से उससे शेड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हो अलग डेप्थ दिखने लग गई दोनों में, तो ये अपनी थर्ड लेयर भी हो जाती है। तो अब कॉटन लो और कॉटन से ब्लेंड करो, तो एक बात ध्यान रखना, बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब अपन 4B से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे आगे की टिप छोटी कर लो, आगे पकड़ लो, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे करो एकदम टिप बना के, ओके, आराम आराम से पहले मुझे देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये ऊपर का हिस्सा आया, धीरे, रुकना नहीं है और कहीं, तुम रुके और तुम्हारा पूरा ग्रेफाइट उस जगह आ जाएगा और पैचेस बन जाएंगे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एकदम पैचेस से बन गए गंदे से। ये आया, इसके बाद ये बाहर सर्कल ओवल वाला शेप था, ये इसे ऐसे ले जाना ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे हल्का हल्का ऊपर की तरफ, फिर यहाँ नीचे से चालू करना, धीरे धीरे ऐसे ओवल शेप सर्कुलर ब्लेंडिंग करते जाओ अपनी, ठीक है, ये जो शेप थोड़ा छोटा दिख रहा है, छूटा हुआ दिख रहा है, सॉरी छूटा हुआ दिख रहा है, उसकी बॉर्डर्स पे करो ऐसे सर्कुलर, हल्का हल्का छूटना चाहिए ये, मुझे ऐसे बहुत एकदम नहीं चाहिए कि एकदम अलग से दिख रहा है, हल्का सा दिखना चाहिए कि छूटा हुआ है, ओके। अब इसके बाद क्या रहता है, आराम से इसे ब्रश से फैला लो, ओके, ये हिस्सा इतना आराम से ब्रश से ऐसे कर्व कर करके फैला लो, आगे का हिस्सा, ये हिस्सा, तो इस तरीके से, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, हल्का सा दिखेगा काफ़ी है, इस तरीके से अपने ब्लेंड कर दिया, देख सकते हो डिफरेंस आ गया है। अभी 6B डालेंगे, आईब्राउज बनाएंगे, बाल बनाएंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा ये देख स्केच दिखने में। तो इतना ब्लेंड कर लो, उसके बाद फिर अपन जो 6B है और जो ब्लेंडिंग स्टंप का काम है वो करते हैं। तो अब अपन को क्या करना है, तो एक चीज़ देखो, 6B पेंसिल लो सबसे पहले, ये जो डार्क डार्क एरिया दिख रहे हैं, जैसे देखो ये वाला एरिया हो जाता है एक डार्क, उसे शेड करो बस, ठीक है, जैसे आउटलाइन टाइप आ रही है, इसे हल्का शेड करो, आँखों के सामने ये हिस्सा है तो इसे सर्कुलर शेड करो ऐसे 6B पेंसिल से। कौन सी पेंसिल से, 6B, मैं बहुत नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत एकदम डार्क करो, मैं पेंसिल खुद एक्सटेंडर में लगा के पीछे पकड़ाऊँ बहुत आराम आराम से यहाँ। अब वही सेम चीज़ यहाँ पीछे की तरफ करो, ऐसे पीछे ले जाते हुए,
ओके, इतना हिस्सा ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर शेडिंग में शेड कर लो, ठीक है। अब कि तुम्हें क्या करना है, देखो ब्लेंडिंग स्टंप लो जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रेफाइट हो, थोड़ा सा, एकदम काला नहीं और एकदम सफेद भी नहीं। यहाँ रखो, पीछे पकड़ो और धीरे धीरे सर्कुलर चलाओ। देखो ये थोड़ा प्रिसीजन वाला काम है, गलती हुई तो बुरी तरीके से फैल सकता है, इसलिए धीरे धीरे करो और मुझे देख लो। मैं यहाँ पतली सी लाइन चलाया, अब ये हिस्सा थोड़ा मोटा है तो मैं जहाँ जहाँ शेडिंग है पहले वहाँ वहाँ ब्लेंड करूँगा। अब मैं उस ब्लेंडिंग को आगे की तरफ फैलाऊंगा, ठीक है। ये उसकी ब्लेंडिंग में आगे की तरफ, इस पे इस पेपर के पीस पे आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ये आई की टिप तक लाना है, मतलब एकदम टिप पे ज्वाइन नहीं करना, उससे थोड़ा गैप रखना, लेकिन इतना आगे ले आओ। ये इसके पीछे है, ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रोक्स लगाते ना अपन, जैसे दो चार स्ट्रोक्स लगाओ और सर्कुलर शेडिंग चालू कर दो, ब्लेंडिंग, सॉरी सर्कुलर ब्लेंडिंग। लेकिन उल्टे सीधे नहीं कि पूरे में फैलाने लगा, अपन को ये शेप जो चाहिए ना, ये वाला शेप, ये शेप आना चाहिए। इसके बाद क्या है, अब अपनी देखो इतनी अपन ने ब्लेंड कर ली है कि अपन ने जो 10B से किया था ये आंखों की आउटलाइन, वो गायब सी होने लगी है। ओके, तो हल्की हल्की शेडिंग और आउटलाइन बना लो ये दोबारा। ओके, ये बना ली आउटलाइन, उसके बाद आंखों के नीचे वाली आउटलाइन गायब हो गई थी, तो वो अपन को बनानी है मैकेनिकल पेंसिल से, आंखों के नीचे वाली आउटलाइन, ठीक है। फिर ये जो आईलैशेस वाली आउटलाइन रहती है, और फिर उसके नीचे जो आई की कवरिंग वाली आउटलाइन रहती है, ये कर्व रहते हैं ना ये ऊपर जाके। अब ये जो कर्व आया है, ठीक है, तो इसके लिए अपनी 6B पेंसिल लेना, जैसे ऊपर ले गए थे ना अपन, हल्का हल्का यहाँ नीचे की तरफ लाओ ऐसे, ये डार्क शेड बहुत हल्के हल्के तरीके से लाना, मुझे बहुत डार्क नहीं चाहिए ये। देखो मैं जब बोलता हूँ मुझे बहुत डार्क नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये समझ लो कि तुम्हें पेंसिल को, जैसे 6B पेंसिल है तो तुम्हें उसे 4B की तरह यूज़ करना है, 4B है तो तुम्हें उसे 2B की तरह करना है, 2B है तो उसे HB की तरह यूज़ करना है। और ये हुआ, अब मैकेनिकल पेंसिल लो और डार्क टू लाइट करते जाओ इसे, जैसे ये है इसे आगे की तरफ लाते जाओ, तो आगे लाते लाते उसे थोड़ा लाइट हो जाएगा ये, तो उससे क्या होगा, एकदम से नहीं लगेगा कि एकदम से उल्टा सीधा कुछ भी कर दिया अपन ने, तो यहाँ डार्क टू लाइट धीरे धीरे आते जाएगा। एक की जगह दो लेयर कर लो मैकेनिकल पेंसिल से, ठीक है। अब ऊपर वाली जो लाइन है, थोड़े जो आउटसाइड की जो फिगर्स हैं वो अगर डिस्टॉर्ट हो गए हो तो उन्हें करो, ओके। और ये लो अपना ब्लेंडिंग स्टंप और वापस इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो इस तरीके से, ठीक है। इसे लाओ ऐसे कर्व करते हुए, डार्क टू लाइट एरिया में ऐसे कर्व करते हुए, ठीक है, डार्क टू लाइट में कर्व करते हुए आए। अब 6B पेंसिल का क्या काम है, एक आउटलाइन बनानी है अपन को। आउटलाइन किस चीज़ की बनानी है वो देखो, ये जो पूरा पेपर दिख रहा है ना अपन को, ये यहाँ से, तो ये तो बाल आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से जो आउटलाइन जा रही है वो बनाई अपन ने, आउटलाइन दिख रही ना अपन को, ये आउटलाइन डार्क, तो अपन वही बना रहे हैं। अब एकदम ये मत करना कि 10B से बनाना स्टार्ट कर दो, 6B से ही होगी ये, 10B बहुत डार्क हो जाएगा, और अगर अपन को डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी तो 10B तब यूज़ कर लेंगे। तो ये आउटलाइन बन गई, अभी हल्की सी आउटलाइन यहाँ आ जाएगी नीचे वाले पोर्शन में, बाकी ये तो बाल हैं। अब मैकेनिकल पेंसिल लो और ऐसे डार्क टू लाइट ऐसे बाहर से अंदर की तरफ लाते जाओ, हल्का हल्का ये जो लाइन बनाई ना अपन ने, इसके आसपास शेड करो, ये जो एरिया है ना, जैसे ये वाला मैकेनिकल पेंसिल से शेड कर रहा हूँ मैं, ओके। तो स्मूथ आना चाहिए, ऐसा रफ सा नहीं चाहिए मुझे। मैं जो 6B पेंसिल से आउटलाइन दी ना, उसे एकदम ऑड ना लगे वो आउटलाइन, इसलिए उसके आसपास थोड़ा शेड कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल से। ये कर लिया मैंने, उसके बाद कॉटन का एक छोटा सा हिस्सा आगे की तरफ रखना, पूरे में सर्कुलर चला दो ये, ठीक है। तो इतना कर लो, अपन को चाहिए 10B पेंसिल, ठीक है, क्योंकि अपना ये समझ लो ये वाला पोर्शन हो चुका है, अपन को अब इसमें जो शेड आएगा ना वो बालों से हल्का हल्का इधर लाते हुए कर लेंगे, तो अपन को जब चेहरे में जो डेप्थ चाहिए है वो एक ही जगह बचती है सिर्फ, ठीक है, आईब्रोज पे। पेंसिल शार्प करो और इधर देखो, एक एक बाल जो है, अब आईब्रो देखना ये वाला, एक एक बाल चाहिए मुझे सही। और ये मत करना कि इधर एक बाल इधर तक, ये आगे के बाल जो बिखरे हुए हैं वो छोटे से और एकदम से बड़े हो गए, मुझे देखो
एक एक बाल मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये गया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, इनके बीच में हल्का सा गैप है, ये गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में गए, यहाँ से एक, ये बीच में एक, ये ऊपर की तरफ अलग गया, ठीक है। फिर इधर इधर से जो ज्वाइन हो रहे हैं, इससे पहले जो दो चार जा रहे हैं वो थोड़े बड़े से हैं ऐसे, ठीक है। ये जो रैंडम बाल भाग रहे थे इधर उधर, ये वो बने हैं, ठीक है। अब जो आ रहे हैं इनमें देखो बीच में गैप है थोड़ा, तो वो गैप अपन मोनो जीरो इरेजर से बना सकते हैं या फिर अपने वाइट जेल पेन से बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर बीच में छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। पेंसिल पूरे टाइम शार्प रखना। ये कर्व आया, इसके पीछे इसके जैसे दो कर्व आ गए, ठीक है। यहाँ तक कर्व बनाने हैं पहले, फिर पीछे से आगे की तरफ लाने हैं, ठीक है। तो मुझे देख लो पहले, जो गलती करी है जिन्होंने वो दोबारा गलती रिपीट नहीं करना। इसके बीच में थोड़े गैप है, मैंने गैप दे दिया, वो गैप, ठीक है। इस तरीके से कर्व यहाँ तक आया, गैप दिया बीच में, रुक जाओ। अब यहाँ राइट टू लेफ्ट आना है, तो ये ऊपर की देखो ना, लास्ट टाइम किया नहीं था कुछ लोगों ने, ये पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो अलग से दिखना चाहिए मुझे। वो लाइन जो दिख रही थी ना, वो नहीं दिखनी चाहिए। ये जो आ रहे हैं ना थोड़े बिखरते हुए, ये इधर 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 इधर, बस, ठीक है। इस तरीके से आ गए, कुछ नीचे भी जा रहे हैं, बहुत नीचे नहीं लेकिन जा रहे हैं, ऐसे दिखने चाहिए कि हाँ दो चार नीचे की तरफ गए हैं। देखो शार्प नहीं आ रहे, कोई परेशानी नहीं, मैकेनिकल पेंसिल लो, इससे थोड़े डार्क डार्क ऐसे मैकेनिकल पेंसिल से कर लो। अब जो अंदर का है खेल, वो अपन वापस अपनी 10B पेंसिल पे आते हैं। 10B पेंसिल से बाकी का हिस्सा जो फर्स्ट लेयर तक किया था ना, जैसे ऐसे कर्व करते करते, ये लो अपना हो गया। तो अब ज़रा क्या करना है अपन को, अपने ब्लेंडिंग ब्रश लो, और ब्लेंडिंग ब्रश आगे वाले हिस्से में नहीं करना, सिर्फ जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें किया, ठीक है, आराम आराम से। अब देखो, अब अपन को चाहिए है अपनी मोनो जीरो इरेजर, ठीक है। मोनो जीरो इरेजर को थोड़ा ऐसे जो है कट कर लेना, जो आगे का हिस्सा है उसे एकदम फ्लैट रहना चाहिए, तो इसे हल्का सा जो है थर्माकोल कटर की मदद से इस तरीके से कट कर लो, ठीक है। तो अब ये जब निकलेगी तो एकदम शार्प निकलेगी। तो अब जो बीच में गैप थे, जैसे ये जा रहा, तो एक प्रेशर के साथ एक स्ट्रोक मारा, ये प्रेशर के साथ, ये जो बिकॉज बीच में थोड़े गैप होने चाहिए, ठीक है। ये एक इरेज किया, ये एक इरेज किया, तो थोड़े यहाँ इरेज करे और पीछे की तरफ इरेज किया, ठीक है। अब मैकेनिकल पेंसिल लो और बीच में हल्के हल्के इन जो अपन ने इरेज किया ना उनके बीच में हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा लो। इसे थोड़ा नीचे तक आना चाहिए, तो इस तरीके से अपनी जो आईब्राउज हैं वो बन जाती। आगे वाले जो हैं उन्हें दोबारा मैकेनिकल पेंसिल से हल्के हल्के जो भग रहे हैं थोड़े बैकग्राउंड में, वो बना सकते हो। तो इस तरीके से अपनी आईब्रोज हो जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा पीछे पीछे भी ले आओ, और तो इस तरीके से आईब्रो हो जाती हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।